नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं रणवीर चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे, राजस्थान पुलिस में एक एएसआई की वैकेंसी आने वाली है जो सिर्फ बेटियों के लिए है। तो बेटियों को अपना सपना पूरा करने के लिए वर्दी का स्टार का 1000 पोस्ट की वैकेंसी का प्रोसेस इसी साल शुरू हुआ था और वो प्रोसेस चुनाव के कारण बीच में थोड़ा सा डिले हो गया। अब चुनाव के बाद वो मौका आपको कभी भी मिल सकता है। मैं कई बार पहले ये चीज़ बता चुका हूँ कि इस वैकेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये क्यों इतना जल्दी निकलने वाली है। तो ये पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। आज सिर्फ मैं इसकी प्रोसेस के बारे में और वैकेंसी कब तक आ सकती है इसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले, वैकेंसी आपकी अब कभी भी डिक्लेयर हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। आचार संहिता खत्म होने के बाद में चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी की भी सरकार हो, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, पुलिस को अच्छा कार्य करने के लिए, अनुसंधान कार्यों में पुलिस को और तेजी लाने के लिए, पुलिस की जो भर्तियां हैं वो कभी भी डिले नहीं होती हैं, वो अपने समय के अनुसार चलती रहती हैं। बीच में थोड़ा बहुत उसमें व्यवधान आ सकता है, लेकिन वो पूरी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वैकेंसी डिले चल रही है, ऑलरेडी चुनाव से पहले निकलने वाली थी, लेकिन प्रोसेस में समय लगने के कारण थोड़ा सा डिले हो गया। तो अब इसमें टाइम लिमिट तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको ये वैकेंसी मिलेगी। और अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं वैकेंसी आने का और उसके बाद तैयारी करने का, तो बाद में बेटा इतना मौका नहीं मिलता है। तो आपको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। बहुत ही जल्दी जब वैकेंसी निकलने का मतलब है, इस वैकेंसी के साथ साथ आप सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी साथ में तैयारी कर सकते हो। दोनों का प्रोसेस, दोनों का सिलेबस, दोनों का पैटर्न सेम रहने की संभावना है, तो आपकी दोनों तैयारी एक साथ हो सकती है। स्पेशल ये मौका बेटियों को मिल रहा है। इसके बाद लिखित परीक्षा में क्या क्या सिलेबस हो सकता है, तो इसका मैंने पहले बताया, प्रोसेस अभी चल रहा है कि इसमें क्या क्या होगा, रिटर्न एग्जाम में किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा, कौन सी एजेंसी लेगी, क्या फिजिकल होगा, क्या इसका मेरिट बनेगी, कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभी तक तय होना बाकी है। बहुत पहले समय, काफ़ी सालों पहले एक बार एक एएसआई की वैकेंसी पहले भर्ती हुई थी इंटेलिजेंस के अंदर, उसके बाद में कोई एएसआई की भर्ती उसके बाद में नहीं हुई है। उसका जो पैटर्न था वो लगभग सब इंस्पेक्टर का जैसा ही था, तो ये पैटर्न भी शायद उसी तरह का हो सकता है। पहली बार होने वाली है इसलिए किसी को पहले पता नहीं है, लेकिन आप सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस होता है उसको अगर आधार मान के तैयारी करेंगे तो आपको उससे निराश नहीं होना पड़ेगा। लगभग वही सिलेबस, वही चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर एक पेपर हिंदी का होता है, इसमें भी हो सकता है हिंदी। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट, राजस्थान का जीके, भारत का सामान्य ज्ञान, इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारे टॉपिक्स जो सब इंस्पेक्टर में है, यही सारे सब्जेक्ट्स आपको महिला एएसआई में भी देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा इस तैयारी से आपका सीईटी का एग्ज़ाम भी आसान हो सकता है। और मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपका ये जो समय है अभी आगे आने वाले समय में, अगर आप बेरोजगार हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलने वाला है। कई बार हम जो तैयारी करते हैं उसमें सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं भी होता है तो वो तैयारी हमारी कभी भी बेकार नहीं जाती है, तो वो दूसरी एग्जाम्स में भी आपको वही सेम तैयारी काम आने वाली है। इसके बाद इसमें फिजिकल भी होगा, चूँकि एएसआई की वैकेंसी है, वर्दी वाला जॉब है, तो इसमें भी फिजिकल होना तय है। तो सब इंस्पेक्टर में जो फिजिकल होता है उसी के स्टैंडर्ड के अनुसार इसमें भी फिजिकल हो सकता है, वही 2-3 इवेंट इसमें भी हो सकते हैं। और वैसे भी फिजिकल का जो सिलेबस होता है वो सारे डिफेंस में लगभग एक जैसा ही होता है, कुछ इवेंट किसी में कम कर देते हैं, किसी में ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन तैयारी उनकी वो एक जैसी होती है, सेम होती है। उसी तरह से हाइट होनी चाहिए, उसी तरह से बेटियों के लिए वेट होना चाहिए। तो जो वेट कांस्टेबल में और सब इंस्पेक्टर में फिक्स है, कांस्टेबल में सब इंस्पेक्टर में हाइट 152 सेंटीमीटर है, तो एएसआई में भी 152 सेंटीमीटर ही रह सकती है। इसके बाद इसमें वेट है वो 47.5 किलोग्राम देखा जाता है, सब इंस्पेक्टर में भी, कांस्टेबल में भी, तो एएसआई में भी वही रह सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन के लास्ट साल में अगर आप हैं तो भी आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वही सब इंस्पेक्टर में है और वही इसमें रहने की संभावना है। कौन तैयारी कर सकता है, तो जो भी सपना देखता है एक स्टार लगाने का, वर्दी पहनने का, उसको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन अगर आप सब इंस्पेक्टर की पूरी करते हैं तो आपकी सब इंस्पेक्टर की तैयारी भी साथ में होने वाली है, तो जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है वही एएसआई की तैयारी भी कर सकता है। इसके बाद एएसआई और एएसआई दोनों साथ कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल दोनों तैयारी आपकी एक साथ हो सकती है। और एक साथ नहीं, एक में तो आपको अपनी एक पोस्ट जरूर बना लेनी है, लेकिन वो समय रहते तैयारी करने पर ही आप बना सकते हैं। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं चाहे सब इंस्पेक्टर का चाहे एएसआई का, तो इंतज़ार करने वालों को वही मिलता है
जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आपको और आगे इंतजार ही करते रहना है या फटाफट अपनी तैयारी शुरू कर देना है। तैयारी कैसे करनी है, तो इसके लिए दो तीन ऑप्शन आपके पास है। आप लगातार मुझे यूट्यूब पे फॉलो करके लगातार मेरे वीडियोस गाइडेंस वाले देख के भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ऑनलाइन भी आप तैयारी कर सकते हो एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी। और अगर आप थोड़ा सा खर्चा वहन कर सकते हो तो बेटियों के लिए पूरे राजस्थान में हमने बहुत कम फीस के ऊपर रिटर्न एग्जाम और फिजिकल दोनों एक साथ तैयारी करने का भी एक नया प्लान किया है, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। आप भी जयपुर आके एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे गाइडेंस में, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी ASI और SI की एक साथ कर सकते हैं, जिसके लिए हॉस्टल फैसिलिटी है बेटियों के लिए और सारी तैयारी ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्लीट तैयारी का मौका मिलता है। तो अब तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद में आप पूरी गाइडेंस के लिए, हॉस्टल फैसिलिटी है बेटियों के लिए तो यहाँ जयपुर आके भी आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए, लेकिन बैठे मत रहिए, इंतजार मत करिए। और इससे संबंधित, ASI से संबंधित मैंने जो जानकारी दी, इससे संबंधित अगर आपका और कोई भी डाउट रह गया है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं इस मैसेज के नीचे या फिर कॉल कर सकते हैं आप अकेडमी के इस नंबर के ऊपर, जिससे आपको और भी पूरी जानकारी मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।